एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब आप ठीक होंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टा में डीएम कर रहे थे कि आप ग्रीथ मेथड के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको ग्रीथ मेथड के बारे में बताऊंगी और मैं कौन से ऐप का यूज़ करती हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में गए, अब यहाँ हम सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड। ड्राइंग ग्रिड हमने सर्च कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट, ये जो बना हुआ ग्रीन कलर का लोगो उसी को आप टच करेंगे। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये ओपन हो गया कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर में लाइन दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, पीसा दिया है, लेवल दिया है और लॉक दिया है। सबसे पहले हम पिक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ ओपन दिया है, ओरिएंटेशन दिया है और पेपर साइज़ दिया है। ओरिएंटेशन में हम लोग को हम स्केच वर्टिकल बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। वर्टिकल जो मैं अभी सेलेक्ट है वो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वर्टिकल सेलेक्ट कर देती हूँ। पेपर साइज़ में आप किस साइज़ का स्केच बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, A4, A5, A3, A2, A1, A0 या कस्टम साइज़। अगर आपको पता नहीं है तो आप कस्टम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को A4 साइज़ में बनाना है तो मैं A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम गैलरी में जाएंगे। गैलरी से हम यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं। ये हो गया क्रॉप। यहाँ से हमने कर लिया क्रॉप, ठीक है। देखिए ये आ गया फोटो। अब इसमें हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया लाइन आ गया। फिर आपको डायगोनल में भी चाहिए तो डायगोनल कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। पीसा मुझे नहीं चाहिए। लेबल, अब इसमें नंबरिंग हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबरिंग हो गया। इससे स्केच बनाने में आपको बहुत ही इजी पड़ेगा, इसलिए आप अगर लेवल देंगे तो आपको और भी इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लेवल दे देती हूँ। फिर उसके बाद आप लॉक कर सकते हैं। ये देखिए आप लॉक करेंगे तो इस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे जूम करना है इसलिए मैं लॉक नहीं कर रही हूँ। फिर ये देख सकते हैं आप यहाँ 3 लाइन दिया हुआ है उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है योर वर्क, आप इसको सेव करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है साइज़ 1 सेल, मतलब एक बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए मैं यहाँ से 20 mm सेलेक्ट कर ली हूँ। अगर आप और भी छोटा बॉक्स चाहते हैं तो 10 mm कर सकते हैं। ये देखिए 10 mm। उसके बाद है इफ़ेक्ट। अब आप स्केच ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल में बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल में कर सकते हैं। मैं ब्लैक एंड वाइट बनाना चाहती हूँ इसलिए मैं ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया। उसके बाद ग्रिड कलर, जो लाइन है उसका कलर, आपको जिस कलर में अच्छे से समझ आ रहा है वो कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं रेड, मुझे ग्रीन में ज़्यादा सही समझ आ रहा है तो मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रोक, आपको कितने स्ट्रोक चाहिए, 1.0 का। ओके, गेट कलर ऑफ पिक्सल, गेट द प्राइमरी कलर, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट, सो रियल साइज, जिस साइज़ में आपको बनाना है, मतलब रियल साइज़ शो कर रहा है अभी। लास्ट इमेज, मॉडल सेव, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं।
बाकी हो गया, हमको इतना का ही काम है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से जूम कर सकते हैं। जूम करके आप, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप स्केल से मेज़रमेंट लेके आप बना सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।